सर्व कर रही हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी। आप चाहें तो हरी चटनी भी बना सकते हैं। थोड़े से बैंगन से गाइस नमस्ते एंड वेलकम बैक टू डूडल की रसोई। और वापस आप सबका स्वागत है हमारी रसोई में एक नई रेसिपी के साथ। और आज की जो ये रेसिपी है वो भी शाम की छोटी भूख के लिए है। इसे आप बच्चों के टिफिन में भी वैसे दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है, तो आज मैं बना रही थी तो सोचा आप सबके साथ भी ये शेयर करूँ। तो आज की जो रेसिपी है वो है, आप उसे कटलेट बोलिए या टिक्की बोलिए या कबाब बोलिए, वॉट एवर यू कैन से। तो उसके लिए मैंने देखिए यहाँ लिया हुआ है ये मिक्स स्प्राउट है, और इसमें मैंने ये 5-6 हरी मिर्च रखी हुई है। ये भिगोने के बाद करीब हुआ है 1.5 कप। इसे हमें मिक्सर की जार में डालकर दरदरा ही पीस लेना है। ये देखिए ये हमारा मिक्स स्प्राउट है, वो पिस चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी एक छोटे साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़े से धनिया के पत्ते जिसे भी बारीक कट कर लिया है, ये आधा बीट मैंने लिया हुआ है ग्रेट कर लिया है, और एक छोटे साइज का गाजर था वो भी ग्रेट करा हुआ है, 2 उबले हुए आलू मीडियम साइज के वो भी ग्रेट करे हुए हैं। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 बड़ा चम्मच यहाँ ओट्स है और 3 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स। अब डालना है करीब 1 छोटा चम्मच, नहीं 1 छोटा चम्मच नहीं उससे कम, अमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच कुटी हुई गोल मिर्च, और ये 1 छोटा चम्मच मैंने जीरा धनिया लाल मिर्च और सौंफ का ये पाउडर बनाया है इसे ड्राई रोस्ट करके, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इसमें मैं थोड़ा सा तेल भी ऐड करूंगी पका हुआ। अब इन सब चीजों को हमें अच्छे से मिक्स करके जैसे डो रेडी करते हैं वैसा ही तैयार कर लेना है। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसे शेप दे देंगे। आप अपना मनचाहा जो शेप पसंद हो वैसे शेप दे सकते हैं इन टिक्कियों को। मैंने इतनी टिक्कियां तैयार कर ली हैं। चलिए गैस भी ऑन कर लेती हूँ। पैन और तेल अच्छी तरह गर्म हो चुका है, अब हम इन टिक्कियों को शैलो फ्राई कर लेंगे। इन टिक्कियों को हमें दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। टिक्कियां दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। चलिए हम गैस बंद करेंगे और इसे सर्व कर लेते हैं। इन टिक्कियों के साथ मैं सर्व कर रही हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी। आप चाहें तो हरी चटनी भी बना सकते हैं। थोड़े से नायलॉन सेब। तो बस ये हमारी हेल्दी मिक्स स्प्राउट वाली
टिक्की अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। एंड आई होप आपको मेरे सिंपल से टिक्की के सिंपल से रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और आप भी इसे एक बार मेरे तरीके से अपनी रसोई में बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी नेक्स्ट रेसिपी की वीडियो आने तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।